कुर्रो रोड अंडर ब्रिज पुलिया में हर 10 मिनट में लगता रहा जाम। रेलवे सहित पुलिस और प्रशासन का अमला रहा नदारद। यात्री बसें लोहे के गेट से टकराई, स्कूल बस दो भैया वाहन चालक होते रहे परेशान। मामला है सियोरा के खितोला रेलवे फाटक स्पेशल गेट के मेंटेनेंस के चलते रेल प्रशासन द्वारा बुधवार रात 10 बजे से बंद किए जाने से सड़क यातायात पूरी तरह बंद हो गया। रेल प्रशासन द्वारा सड़क आवागमन के वैकल्पिक मार्ग कुर्रे अंडर ब्रिज पुलिया में पहले दिन सुबह से ही जाम की स्थिति बनी रही। 10 फुट की पुलिया से निकलने के दौरान यात्री बसें लोहे के गेट से टकरा गईं। वहीं जाम के चलते जननी 108 एम्बुलेंस लंबे समय तक फंसी रहीं। कुर्रे अंडर ब्रिज पुलिया 337 सड़क आवागमन के वैकल्पिक मार्ग पर लोग सुबह से ही जाम को लेकर परेशान होते रहे। ग्रामीण क्षेत्रों से सियोरा और खितोला पहुंचने के लिए लोगों को 12 से 15 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अंडर ब्रिज और उसके आगे जाम खुलवाने के लिए ना तो पुलिस का कोई अमला मौजूद था और ना ही प्रशासन का। रेलवे के सारे दावे हवा हवाई नजर आए। बाइक वाले दूसरे रास्ते से जाओ, बाइक वाले जगह कुड़ी है बताओ। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।